गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 5 स्टूडेंट. फर्स्ट ओपन योर कंप्यूटर बुक एंड देन कम टू द योर चैप्टर 1. ओके, डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट अबकस, पास्कलाइट, नैपियर बोन्स, लिस्विन कैलकुलेटर, जैकवर्ड लूम, डिफरेंस इंजिन, एनालिटिकल इंजिन, जेनरेशन ऑफ द कंप्यूटर. ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट देयर आर 5 जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर? ना देयर आर 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर स्पीड, साइज एंड मेमोरी. दीज आर फॉलोज, जस्ट लाइक सुपर कंप्यूटर, मिनी फ्रॉम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर. व्हाट आर सुपर कंप्यूटर्स? ना सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. विश्व में सबसे ज़्यादा तेज कंप्यूटर क्या है? ना सुपर कंप्यूटर. दे हैव ए वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड. ओके, दे आर यूज मेनली इन वेदर फॉरकास्टिंग, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन. वो बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? ना रॉकेट लॉन्च के लिए और मौसम को जानने के लिए, मौसम का हाल जानने के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल सुपर कंप्यूटर्स आर परम एंड अनुराग. परम एंड अनुराग आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स. देन कम टू द पॉइंट, मेन फ्रेम कंप्यूटर. वॉट आर मेन फ्रेम कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लेस पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव देन सुपर कंप्यूटर. ओके, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ज़्यादा स्पीड भी है. दे हैव यूज इन वीक ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक्स, लार्ज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स एक्सेट्रा. एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर IBM 390, Z900 एक्सेट्रा. Here is the example of mainframe computer. Okay, then come to the point, mini computer. Mini computers are general purpose computer where a large number of people can work together. Okay, they are smaller than the mainframe computers. Mainframe computers are mini computer chota hai, or they are smaller than the mainframe computer. Example of mini computer are PDP-8 and VAX. Here is the example of mainframe computer. Then come to the point, microcomputer. ये माइक्रो कंप्यूटर इज द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द कंप्यूटर. सारे कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा सस्ता कौन सा कंप्यूटर है? ना माइक्रो कंप्यूटर. इट इज स्मॉलर इन साइज देन द मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर से साइज में छोटा है. इट इज यूजली यूज एज ए पर्सनल कंप्यूटर एट होम और फॉर बिजनेस पर्पज. ज़्यादातर हम उसको घर में यूज़ करते हैं, घर में अपने खुद के यूज़ के लिए माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं और उसके अलावा बिजनेस के लिए भी यूज़ होता है. माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज पीसी, दैट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और डेस्कटॉप. हम उसको डिजिटल कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं. ओके, देन नाउ यू नो. तो आपने क्या जाना? ना अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस आर एज फॉलोज. पहले क्या था? ना अबकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. पहले कैलकुलेशन के लिए हमने अबकस यूज किए थे. देन पास्कलाइन वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642. इट कुड डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बट नॉट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. पास्कलाइन कंप्यूटर में हम सिर्फ क्या करते थे? एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर पाते थे. देन नैपियर बोन्स वॉज डिजाइन बाय जॉन नैपियर टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. नैपियर बोन के जरिए हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीखा. देन लेबनीज कैलकुलेटर वॉज इम्प्रूव्ड अपॉन पास्कल्स एडिंग मशीन. देन जैकवर्ड स्लोन वॉच डिजाइन टू यूज पंक्ट कार्ड टू कंट्रोल ए सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. देन डिफरेंस इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स बाबेज. इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर. देन एनालिटिकल इंजिन वॉज एन इम्प्रूव वर्शन ऑफ डिफरेंस इंजिन. इट्स कंसेप्ट वॉज बेस्ड अपॉन टूडेज कंप्यूटर. नेक्स्ट, कंप्यूटर डेवलपमेंट हैज बीन कैटेगराइज इन टू डिफरेंट जनरेशन. जैसे कि जेनरेशन रहा, देयर आर फिफ्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. Year in developed by the generation, year by developed in the generation of computer. First generation computer developed between 1949 to 1956. Developed हुआ था वैक्यूम ट्यूब से. Then second generation computer developed between 1956 to 1963. Example transistor. Third generation computer developed between 1964 to 1971. Developed by integrated circuits. Then fourth generation computer developed in the year 1972 are the present. Okay, and developed by microprocessor. Then fifth generation computer, that means future generation computer, that is artificial intelligence. Okay, the different type of computers are super computer, mainframe computer, mini computer and personal computer. Okay, key term mein kya hai? Iska full form hai UNIVAC, means universal automatic computer.
ENIAC means Electronic Numerical Integrator and Computer. IC means Integrated Circuit. LSI means Large Scale Integration. VLSI means Very Large Scale Integration. Okay. Then come to the point. Exercise A. Choose the correct option and write the space provided. Okay. Here is the first question. DAS was the first calculating device. Okay. Here is the three example of. You should choose one example. Okay. The correct answer is abacus. Then abacus was the first calculating device. The second question is Anurag is an example of DAS. Anurag is an example of supercomputer. Then third point is DAS were used in the first generation of computer. Then vacuum tubes were used in the first generation of computer. Fourth question is DAS was the first computer and ENIAC was the first computer. Then come to the point B, fill in the blanks. Okay.